लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, आपके शगुन के पैसे आपके भाई के नाम ट्रांसफर हो गए डॉक्टर मल्होत्रा। कमाल है, पैसे मुंबई पहुंच भी गए। यूजुअली इट्स सच अ हैसल एंड आई हेट द पेपर वर्क। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया प्रशांत। मैंने नहीं, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर ने। इस कार्ड पर लिखा नंबर आप राकेश को दे दीजिए और वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर हमारे किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं। राइट, थैंक्स, यू बीन अ ग्रेट हेल्प। बिल्कुल नहीं डॉक्टर मल्होत्रा, इनफैक्ट मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप मेरी वाइफ की सर्जरी की वजह से मुंबई नहीं जा सकती। अरे भाई, शगुन के पैसे पहुंच गए ना। ओके, थैंक यू। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया दीदी। शगुन भिजवा दिया अपनी भांजी का और खुद नहीं आ रही। मैंने कहा ना राकेश, मुझे एक जरूरी ऑपरेशन करना है। देखो, मैं निकी के सगाई के लिए नहीं आ सकती, लेकिन शादी के लिए जरूर आऊंगी। कम से कम राज को तो भेज दीजिए। आप तो जानती हैं पूजा, निकी, आर्या कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसका। आखिर आपका बेटा ही तो इकलौता भाई है उनका। राज के बारे में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, वो मेरी सुनता ही नहीं है। उसके पिताजी जिंदा होते ना तो वही उसका कान पकड़ के उसे सीधा कर देते। दीदी, मैं तो सोच रहा था कि राज एक बार इंडिया आ जाए, बस एक से एक खूबसूरत लड़की दिखाता उसे और इस बार तो उसकी शादी में करवा के भिजवाता यहाँ से। लेकिन राज माने तब ना, अब तो इस घर में आने वाली ही उसे समझा सकती है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि ऐसी लड़की उसके तकदीर में लिखी भी है या नहीं, और अगर वो है तो वो है कहाँ। Ready. And so's my food. मामा जी का फोन आया था। वो बहुत नाराज है कि तुम हिंदुस्तान नहीं जा रहे हो। You made salad for me? How sweet. Mom, you're the greatest cook. And your dressing. You know you're the best. ये मैंने इटालियन रेस्टोरेंट से मंगवाया है। You know, ma. जब से मैंने इसे देखा मैं जानता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। I knew it. बेटा, तुम तो जानते हो कि निकी का कोई सगा भाई नहीं है। अगर तुम उसके मंगनी पे नहीं पहुंचोगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। पास्ता पुतानेस का। You're the world's greatest cook. ये भी मैंने इटालियन रेस्टोरेंट से मंगवाया है। You know, I knew that. I was just testing for your alert. I knew it. I mean, ma, हम लोग अमेरिका में रह के यहाँ के रेस्टोरेंट का खाना खा खा के एकदम पागल हो गए। I don't understand these things. I mean, what kind of food do they make? ये perfect example. ये pizza है,
It's not even coming off the plate. It's disgusting. I mean, तेल टपक रहा है. I mean, who makes this stuff really? ये मैंने बनाया है. बेटा, seriously, देखो मेरे दो patients हैं, जो बहुत बीमार हैं. उनमें से एक तो critical है, उसकी शायद surgery करनी पड़े. इसलिए मैं निकी के मंगनी में नहीं जा सकती. लेकिन तुम्हारे ना जाने की तो कोई वजह ही नहीं है. वजह है मॉम. जैसे ही मुंबई में लैंड करूंगा, मामा जी लड़कियों की लाइन लगा देंगे. बोलेंगे, बेटा ये एमए है, ये बीए है, ये पीएचडी है, ये फलाना है, ये डिम का. I mean, come on, really, it's like a buffet for him. Okay, okay, okay. जैसे आप हैं, खाना अच्छा लगे या ना लगे खिला देती हैं. करेक्ट. मामा जी भी वैसे ही हैं. मुझे लड़की पसंद हो या ना हो, शादी करा देंगे. तो तुम क्या जिंदगी भर कुंवारे रहने वाले हो? Why not? I mean, come on, mom, you know, कुंवारों की जिंदगी लंबी होती है. कुमारों को अपनी जिंदगी लंबी लगती है. माँ, मेरी आजादी मुझसे मच्छी नहीं है. Not again. Mom, love can't be ordered or arranged like this meal. Raj, I will cancel your ticket. Promise? You're impossible. But I love you. Thank you. राज भैया, मैं निक्की बोल रही हूँ. पापा कह रहे थे कि तुम मेरी मंगनी में नहीं आ रहे. वो क्या है निकी किया? तुम रो रही हो? नहीं. बताओ ना निकी, क्या हुआ? तुम तो जानते हो, पापा किसी की नहीं सुनते. तुम नहीं आओगे तो उनसे कौन कहेगा कि मैं शादी नहीं करना चाहती? क्यों निकी? मैं उस लड़की से प्यार नहीं करती. तो फिर उसे मंगनी क्यों कर रही हो? मंगनी जबरदस्ती भी तो करवाई जा सकती है. अब तुम क्या करोगी? अपने शादी के कार्ड बढ़ते देखूंगी. फिर मुझे शादी के लिए तैयार किया जाएगा. फिर मंडप में ले जाया जाएगा. उसके बाद मैं भाग के आऊंगी. नहीं निकी, मैं आ रहा हूँ. वो आ रहा है. I'm sorry, sir. Your ticket has been cancelled. Cancelled. So just cancel my cancellation. I'm sorry, sir. That's impossible. Indian? Yes. देखिए बहन जी, मेरा इस फ्लाइट पे जाना बहुत जरूरी है. देखिए भाई साहब, मैंने लास्ट सीट किसी और को दे दी. It's full. मेरी सीट? किसे? उस लेडी को जो वहाँ फोन पर है. एक मिनट. तुम्हें पता है ना, मैं जब भी तुमसे दूर रहती हूँ मेरा क्या हाल हो जाता है. मिसिंग यू जान. तुम भी मुझे मिस कर रहे हो? नहीं. ठीक है, तो फिर मैं दो दिन और रुक जाती हूँ. नहीं नहीं, मैं इसी फ्लाइट से आ रही हूँ. एक्सक्यूज मी इंडियन जी, देखिए क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? आप अपनी सीट मुझे दे सकती हैं प्लीज? प्लीज. सी यू सून. मिस. ओके, बाय. मैडम मिस, मैं उस सीट के बारे में बात नहीं कर रहा था. ये सीट, मुंबई जाने वाली फ्लाइट. देखिए, मेरा बेटा मुंबई में है, बबलू. बहुत बीमार है. सीरियस है, सीरियसली बीमार है. क्या हुआ उसे? हार्ट अटैक. उम्र क्या है? 26. तो आपकी? 26, 26. बाप बेटा दो. आप बबलू के बारे में? राइट. मैं 26 साल का हूं तो बबलू होगा, आप ही बताइए. तीन चार. एग्जैक्टली 3-4 साल का है. इतना छोटा बच्चा और हार्ट अटैक. आप डॉक्टर तो नहीं है? आप नहीं समझेंगी, बहुत रेयर केस है, सिर्फ छोटे बच्चों में होता है. हाइपो कार्डियो
पल्मोनराइटिस सिंड्रोम। हाइपोकार्डियो पल्मोनराइटिस सिंड्रोम, उसकी दिल में छेद है, हाई फीवर होता है, लो बीपी होती है, होल इन द हार्ट। सोचिए इतना छोटा सा बच्चा, वो क्या है, मुझे कुछ जरूरी काम से यहां आना पड़ा और वो बेचारा वहां बार बार पापा पापा पुकार रहा है। वो क्या है, वो दवाई सिर्फ मेरे हाथ से पीता है। देखिए मैडम, मेरा मुंबई जाना बहुत जरूरी है, मुझे बबलू को दवाई अपने हाथों से पिलानी है और मैं सिर्फ आपकी सीट की उम्मीद कर सकता हूं। वैसे भी आपको अगली फ्लाइट पे सीट मिल जाएगी, नहीं तो आपके रहने का इंतजाम मैं यहां कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, ओ नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय। नहीं मेरा मतलब ये नहीं, नहीं था, मेरे रहने का इंतजाम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं अगली फ्लाइट पकड़ लूंगी, आपका मुंबई पहुंचना ज्यादा जरूरी है, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, डोंट वरी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, यस मैडम, प्लीज पुट मी ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट। श्योर मैडम, ये टिकट कैंसिल कर दीजिए और मेरी कंफर्म कर दीजिए। यस सर, नो प्रॉब्लम, पुट सम जल्दी ऑन अ बेबी एंड विंडो सीट। यस सर, आई नो हाउ इट फील्स, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। किसे? बबलू। कौन बबलू? बबलू आपका बेटा। हाँ बबलू, थैंक यू सो मच, आपकी दुआ है, आई एम श्योर उसे कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, बाय बाय। हेलो, बाय मामा जी। राज, मैं आ रहा हूं, एयरपोर्ट आ जाइएगा। राइट, कोई फिक्र नहीं मुझे, अजय बहुत अच्छा लड़का है। अजय? हाँ अजय, लाखों में एक है भाई। अजय सहगल? हाँ अजय सहगल लाखों में एक है भाई। क्यों, क्या हुआ, तुम जानते हो उसे? अजय रोशनलाल सहगल तो नहीं? हाँ हाँ वही भाई, क्यों God. क्यों अजय रोशनलाल सहगल जिसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, वही, सकता है, माय गॉड। अरे सुनो तो राज, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मुझे साफ साफ बताओ कि अजय का किसके साथ क्या है। न्यूयॉर्क में अजय का किसी के साथ चक्कर है। चक्कर है? हाँ, और वो उसे छोड़कर निक्की से शादी कर रहा है। क्या? हाँ, लेकिन आप उसे माफ कर दीजिए मामा जी। माफ कर दूं? मामा जी आपने वादा किया है, और अजय सचमुच लाखों में एक है। लेकिन एक बात बता, तू ये सब यकीन के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि उसी ने मुझे बताया। किसने? अजय ने? नहीं, उसी ने जिसका दिल अजय ने तोड़ा है। अच्छा, तो फिर अजय उसी से शादी क्यों नहीं कर लेता? करना तो चाहता था, लेकिन अपनी दिल की बात अपने मां बाप से नहीं कह सका, और उनकी खुशी के खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी उसने। यानी वो अब भी उसी से प्यार करता है ना, लाखों में एक। अच्छा तो फिर लगे हाथों नाम भी बता दो मेरी बेटी के साधन का। माइकल। माइकल? हाँ माइकल। अजीब होते हैं ये अमेरिकन लोग, यहां तो माइकल लड़के का नाम होता है। वहां भी ऐसा होता है। क्या? जी मामा जी, माइकल लड़का ही है। क्या, माइकल लड़का है? जी, और वो भी बड़ी बड़ी मूछों वाला। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अरे
लेकिन आपने वादा किया था। वादा गया भाड़ में, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। लेकिन अजय लाखों में एक है। ऐसे लड़के लाखों में एक ही होते हैं। देव शट अप। अरे मामा जी, इसमें बुरा क्या है? सो क्यूट। हाँ बहुत अच्छा है। अजय प्लीज मुझे ये नहीं देखना है। नाइस घाघरा जीजा जी। यार पूजा तुम ही इसे समझाओ, अगर नम्रता ड्रेस लेकर नहीं आई तो तो कुछ तो पहनना पड़ेगा ना दीदी। जीजा जी, you are looking beautiful. Thank you, Arya. Wow, जीजा जी, superb. वाह वाह, क्या अदा है, क्या नखरे हैं, कपड़े भी सही पहने। वही तो, कब से इसे समझा रहे हैं समझ ही नहीं रही। सी दीदी, पापा को भी अच्छा लगा। पापा आप समझाइए ना कितना अच्छा ड्रेस है। राज भैया। पूजा। हाय निकी, Arya। आप इधर आइए। पता है ये हमारे होने वाली जीजा जी है। जीजा जी नहीं, जी 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 जी। ये शादी नहीं हो सकती। मैं समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ। क्या पापा जी? पापी, मुझे पापा जी कहता है तू? पापा आपको ये क्या हो गया? निकी एक मिनट, मामा जी रिलैक्स, मैं हूँ, डोंट वरी। निकी क्या कर रहे हो तू? तुम क्या कर रही हो? मैंने इतनी मुश्किल से मामला फिट किया है, अब तुम्हें इसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। ओह गॉड, ये सब तुमने किया है? ऑफ कोर्स राज, मैं अजय से प्यार करती हूँ। क्या पूजा बेटे, अंदर जाओ। अरे तुम जाओ, जाओ। ए! क्या कर रहे हो तुम? तू भी जा यहां से। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कपड़े भी ले जाओ। तुम उठा दिए। सो यू मीन तुमने झूठ बोला? हाँ, वरना तुम यहाँ कैसे आते? इसका मतलब है मुझे जाके मामा जी को सच बोलना पड़ेगा। मर गया। इसका मतलब है तुमने अपने मामा को ही मामा बनाया। अजय, I'm really sorry, मेरी बात का बुरा मत। Don't worry यार, कल एंगेजमेंट है, जरूर आना है। Sure. एक मिनट, वो सब तो ठीक है, तो फिर ये बताओ कि ये माइकल है, उससे कौन प्यार करता है? कोई नहीं। ओ, क्या कर रही हो तुमने की? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं क्या करूं पापा, मेरा ड्रेस नम्रता लाने वाली थी और उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी, जूते और सब कुछ, और वो अभी तक नहीं आई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी मंगनी से पहले उसे अमेरिका मत भेजिए। लेकिन उसे तो कल आ जाना चाहिए था। एनीवे, सब इंतजार कर रहे, कुछ और पहन लो। कुछ और नहीं, मैं वही ड्रेस पहनूंगी। यानी अगर वो नहीं आई तो क्या मंगनी रोक देंगे? राज, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं और ये मेरी भाभी। नमस्ते। सॉरी। हाय नम्रता। क्या हुआ राज? कुछ नहीं। सॉरी नम्रता। निकी, I'm so sorry। नम्रता, तुम आज वक्त पे नहीं आती ना तो ये मंगनी तो टूटने वाली। मुझे पता है सर, मैं क्या करती वहाँ एयरपोर्ट पर। वो सब बाद में। तुम इसे जल्दी तैयार करो, मैं मेहमानों को संभालूं। चलो। Thank God you're here। दीदी आपने कितनी देर लगा दी। I know, I'm sorry। Wow। You like it? Yes। पर तुझे क्या हुआ? तुझे पता है जब मैं एयरपोर्ट पहुंची ना। राज, इनसे मिलो, मिसेस मल्होत्रा। नमस्ते। मिस्टर मल्होत्रा। How do you do? Hello, बेटा। और इनकी बेटी रानी। नमस्ते। बात करो, बोलो। तो कहाँ रहती हैं आप? जी यही पास में, MG रोड पे। और आप? मैं घर में, रोड पे नहीं रह सकता ना। इसकी मजाक करने की आदत नहीं गई अब तक। कमाल है। मामा जी, I'm serious। है? अरे आप? आप? I can't believe it। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे निकी, मैंने बताया ना एयरपोर्ट पर। निकी, you're looking so beautiful, your dress is fantastic। Thanks राज, नम्रता ने डिजाइन किया है। अब तबीयत कैसी आपकी, वो बबलू की? बबलू की?
बहुत अच्छी। बबलू, कौन बबलू? अजय, 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 बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा है। अजय, निकी आए, निकी, अजय ये बैठ गो। Where's your wife? कौन? आपकी पत्नी? Wife? हाँ। यही कहीं होगी, मैं जरा ढूंढ रहा हूँ। नहीं मामले एक मिनट। अरे निकी और अजय नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो? इधर। Wow, beautiful, beautiful नम्रता, वाकई तुमने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी है। अरे तू मिले नहीं इससे? भाई ये है हमारे ऑफिस की मोस्ट टैलेंटेड डिजाइनर नम्रता। और नम्रता ये है मेरा भांजा राज, अमेरिका से है, अमेरिकन ख्याल का है, शादी के खिलाफ है। लेकिन इनकी शादी करवानी है, इस बार तो करवा के ही वापस भेजना है। बच्चू मर गया। अरे मुहूर्त बीता जा रहा है, कमॉन कमॉन चले। निकी चलो, तुम जानती हो मैं अमेरिका से लेट क्यों आई? क्योंकि यही वो आदमी है जिसे अपने बबलू को अपने हाथों से दवाई पिलानी थी। श्रीमान जी, अब आप लड़के को टीका लगाइए। जी ये तुम्हारे लिए। देखिए मुझे निकी की मंगनी में पहुंचना था। वैसे आपको मानना पड़ेगा, आइडिया अच्छा निकाला मैंने। क्या आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं? आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे लड़कियों में होता है कब? हाँ हाँ, लड़के तो बहुत स्मार्ट होते हैं, है ना? अरे निकी, कम से कम तुम्हें तो राज की तरफदारी करनी चाहिए। पर दीदी को आज कितनी देर हो गई? And all because of you, राज भैया। नम्रता तुम इन लड़कों की बात बिल्कुल मत सुनो, सब के सब झूठे हैं। चलो। बात मेरी सुनिए तो जरा, बात मेरी सुनिए तो जरा। कहिए आपको है कहना क्या? मेरी बात सुन के ये बताइए कि इसके बारे में है आपका ख्याल क्या? इतना क्यों गुरूर आप में है, इतना आप में है नाज किस लिए? बताइए है किसने ये सिखाया आपको कि जो भी तुमको चाहे, जो भी तुमको प्यार से मिले, उसी से तुम रहो खफा खफा। बात मेरी सुनिए तो जरा, कहिए आपको है कहना क्या? छोड़ दी तो उसको भी दुनिया कहती है अदा। आपको जवाब मिल गया, कहिए कैसा आपको लगा? बात मेरी सुनिए तो जरा, आज सुन ही लीजिए कि क्या है हुस्न आपका, क्या है आपकी अदा। आपके हर एक सितम को हमने ही अदा कहा, और आपकी हर एक अदा को हंस के हमने ही सहा। हमने ही जरा सी एक बात को बढ़ा के दास्तान कर दिया है, हमने ही तो हुस्न की जमी को आसमान कर दिया है। दुनिया में जो आपका ये हुस्न बेमिसाल है, तो इसमें भी हमारे इश्क का ही तो कमाल है। अगर हम ही ना होते इसका कान पूछता। Ha 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 ha
सबको गए ख्याल है, आपको गए ख्याल है कि हमको हुस्न जो मिला है आपने दिया है, यानी जो भी है कमाल आपने किया है, तो ये बात साफ है कि हमको देखते ही बातों की वजह है क्या। समझ में आई मेरी बात तो नहीं सही, जो आप अपने हुस्न पर गुरूर करते हैं तो करिए पर न भूल जाइएगा, हमने ही वो खून दिल दिया है जिससे रूप में ये रंग आ गया है, आपका ये हुस्न दुनिया भर पे छा गया है, जादू बन के हम निगाहों पर जो छा गए दिलों में जो समा गए, तो हैरत इसमें क्या है, कलिया और जुल्फ है अंधेरा ऐसा जो महक रहा, हमने ही तो आपके होठों को गुलाब और चेहरे को कमल कहा है, हमने ही तो आपकी नजर को जादू बातों को गजल कहा है, हमने ही तो जुल्फ को कभी कहा है रात और कभी घटा, अगर हम ही न देखते न चाहते न पूजते तो पत्थरों के बुत को कौन कहता फिर खुदा। बात मेरी सुनिए तो जरा, छोड़िए भी कहने और सुनने को है बाकी क्या रहा, देखिए मैं कह रही हूँ बात मेरी सुनिए तो जरा, आप क्या कहेंगी मुझको खूब है पता, अरे बात मेरी सुनिए तो जरा, फिर मिलेंगे वक्त अगर मिला, पर बात मेरी मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, इसकी नाक मोटी है। अरे तो क्या हुआ, बैंक बैलेंस भी तो मोटा है। पापा प्लीज रहने दो ना, राज शादी नहीं करना चाहता। बेटी तुम समझती नहीं हो, शादी के बगैर आदमी अधूरा होता है और फिर पूरा हो जाता है। पापा ये देखो, ये मेरी बात सुनो, अंपायर मैं हूँ, आप आउट हो, आपकी विकेट गिर चुकी है। इम्पॉसिबल, तुम दोनों एक बात समझ लो, मेरी विकेट गिर ही नहीं सकती। हाँ। नहीं गिर सकती। अरे भांजे, इस बार ऐसी लड़कियां चुनी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी विकेट गिर के ही रहेगी। देखो। अच्छा, तो ये है हमारी होने वाली भाभियां। अरे सबकी सब नहीं, स्टूपिड ओनली वन। द वर्ड यू लुकिंग फॉर इज नॉट। एक मिनट, अरे भाई राज, एक बार देख तो लो। ये देखो, ये है पूनम इंटीरियर डिजाइनर, रेशमा MBA, कविता प्रिया, और ये है रचना जिसे शाम को तुम्हें मिलना है। किसने कहा? मैंने कहा। मैंने तो नहीं कहा। भाई मैंने कहा तो तुम्हें मानना तो पड़ेगा। मुझसे पूछे बगैर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कितनी बार पूछे तुम्हें, तुम ढंग का जवाब ही नहीं देते। लेकिन मामा जी मुझे शादी नहीं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इन पांच लड़कियों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो ताकि निकी के साथ साथ लगे हाथों में तुम्हारी भी शादी कर दूं। भाई 50% डिस्काउंट मिलेगा मुझे इसमें। हेलो, ये कोई मनी सेविंग स्कीम नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। एग्जैक्टली, और तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा काम है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे पिता समान हूं ना। पिता समान है, पिता नहीं। मामा जी, निकी समझाओ ना। I didn't. सॉरी राज, तुमसे रूठे हैं, तुम ही मनाओ। सॉरी भैया। चीटर। गुड मॉर्निंग सर, आई मैनेज द इम्पॉसिबल। मैंने अमेरिकन बायर्स को हमारा कलेक्शन देखने के लिए राजी कर लिया है सर। इनफैक्ट 19 तारीख को वो लोग यहाँ आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा। सर, इतनी सक्सेसफुल ट्रिप के बाद क्या मैं प्रमोशन की उम्मीद कर सकती हूँ सर? ये आजकल के नौजवानों ने हमें समझ क्या रखा है?
आज की जनरेशन को सब पता है। हमारी जनरेशन ने तो जिंदगी भर घास काटी है, क्यों? मामा जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मामा जी, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप है तो हम है। सर, मैं बाद में आती हूँ सर। थैंक यू। नहीं, तुम यही ठहरो, बैठो। जी सर। लेकिन मामा जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सर, मैं बाद में। बैठो। जी सर। और इस नौजवान से कह दो मैंने बहुत सुन लिया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज। गुस्सा? इससे पूछो मैं होता ही कौन हूँ इस पे गुस्सा करने वाला। I'm really sorry, मामा जी। मामा जी, आपने हमेशा मुझे एक बेटा माना है और मेरे लिए भी आप डैड की जगह ही रहे। तो इससे पूछो लड़कियां देखेगा? जी नहीं मामा जी। ठीक है। नम्रता, तुम वो क्या कह रही थी हमारे अमेरिकन बायस के बारे में? सर, मैं I'll come back later, सर। नहीं, तुम इधर आओ, बैठो बैठो और सुनो। मैंने साहबजादे से कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, लड़कियां देख लो, कोई पसंद आ जाए तो शादी कर लो। अब ऐसा कहकर मैंने कुछ गलत किया? बिल्कुल नहीं सर। देखिए, मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पूछो इससे, पूछो। इन्हें समझाइए प्लीज। क्या? यही कि रिश्तेदारों से घिरी हुई लड़कियों को देखने का ख्याल ही मुझे अजीब लगता है। उनसे बात कैसे करूंगा मैं? सर, शायद ये लड़कियों को अकेले में मिलना चाहते हैं। क्या? ओ बच्चू, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ ये सब नहीं होता। तब भी ना, यही मेरा प्रॉब्लम है। सर, आप राज के साथ निकी को क्यों नहीं भेजते? Then there's no problem, right? निकी के सामने तो खुलकर बात कर सकते ना आप। या गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। देखिए, निकी बहुत बिजी है, अपनी शादी की तैयारी करिए, वरना आइडिया बहुत अच्छा था, वेरी गुड। तो आप निकी की जगह किसी और को भेज सकते हैं सर। हाँ, पर किसे भेजूं मैं? मुझे तो ये साथ ले नहीं जाएगा, और पूजा आर्या तो भी बहुत छोटे हैं, और किसी को तो जानता भी नहीं। हाँ, तो लड़कियां देखने का प्रोग्राम कैंसिल। एक मिनट। राज, नम्रता तुम्हारे साथ जाएगी। मैं कैसे जा सकती हूँ सर? राज के साथ कोई फैमिली मेंबर तो होना चाहिए ना। उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन सर। नम्रता, तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? जी सर। तो ये फाइल लो और फौरन शुरू हो जाओ। कम ऑन, कम ऑन। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन मामा जी, आप क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, जाओ जाओ। I'm impressed, राज। रचना से मिलने के लिए तुमने मंदिर जैसी जगह पसंद कर ली। पसंद करनी पड़ी। मैंने सोचा मामा जी और तुम मेरे खिलाफ हो। हाँ। तो अब भगवान ही मुझे बचा सकता है। तो पूरा यकीन है ना कि एक चांदी का सिक्का पानी में डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती है? ओ जी 100%। अपने घर के पीछे अस्तबल है ना वो गुलाब सिंह वाला। आहो जी। उसकी घोड़ी है ना लवली। वो काली वाली? नहीं जी, सफेद वाली। बड़ी प्रॉब्लम थी, औलाद नहीं हो रही थी। यहाँ आके सिक्का डाला, दो दो बच्चे इकट्ठे हो गए। हाय, मैं मर जाऊँ। गुलाब सिंह के? नहीं नहीं, घोड़ी के। तो घोड़ी ने सिक्का पाया, पर घोड़ी कैसे? वो सिक्का तो गुलाब सिंह ने डाला। अच्छा अच्छा। ओ भाई, कितने का सिक्का है? 101 रुपया। हाँ निकालो जी, 101 रुपया, जल्दी जल्दी कर लो, बारी आ गई साड़ी। तुसी कमाल करते हो, पैसे तो तुम्हारे को लेंगे, मैं कितों निकाला? मैंने तो पैसे जराब में रखे थे और जराब मैंने कार में उतार दी। तुम्हारी इतनी बुरी आदत है, पैसे मोजों में रख देते हो। जाओ लेके आओ। हाँ, मैं लेके आता हूं। लाइन में खड़ी हूं। ओ खलोती रहना, नंबर ही ना चला जाए। सरदार जी, गड्डी की चाबी तो इत्थे, लो फड़ो। गुड शॉट। लेकिन मंदिर में हाथापाई नहीं करते। सरदार जी जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहे थे। क्या? क्यों नहीं भाई साहब, मैं तो पकड़ने जा रहा था चाबी, हाथ में आ गई भाभी। मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। नाराज मत होइए जी, मैं भी कोई बदमाश नहीं हूँ। इतनी दूर से तालाब में सिक्का फेंकने आया था कि मेरी मन की मुराद पूरी हो जाएगी अपनी मिंटी कौर के साथ। मिंटी जल्दी आना। की होया जी? होना क्या था, ये कहते हैं मैंने जबरदस्ती इनकी वाइफ का हाथ पकड़ा। वही तो मैं कह रहा हूँ, नॉट माई वाइफ, भाभी भाभी। मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। तो बहन जी, माफ करो, बात खत्म करो। भाभी जी, अब मेरा मतलब है बहन जी, इन्हें माफ कर दो, मैं मिंटी इनकी मिस्सी, इन्होंने आज तक मेरे को नहीं छेड़ा, आपको क्या छेड़ेंगे जी? It's
इट्स ओके ओके हो गई जी रचना या नम्रता हाय हाय आई एम रचना राज दैट्स हिम हेलो तुम फोन कर लो किसको किसी को भी मामा जी ऑफ कोर्स बाय बाय सी यू एक बात पूछूं आपने मुझे मंदिर में क्यों बुलाया तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखती हो जी I don't know. You mean reincarnation? मरने की बात क्या होता है? मुझे क्या पता? I mean, मरने का experience तो नहीं है ना? नहीं है? You mean मुझे मरने का experience है? Of course. तुम्हें याद नहीं? क्या? तुम पहाड़ से गिर गई थी हम केदारनाथ की यात्रा पे थे तुम्हारे हाथ में बबलू था बबलू हाँ बबलू हमारा प्यारा सा मुन्ना याद है उसे उस दिन बहुत प्यास लगी थी तुमने बबलू को मुझे सौंपा और उसके लिए पानी लाने गई थी और फिर कभी नहीं लौटी 3 दिन बाद तुम्हारी लाश मिली मेरी लाश घबराओ मत तुम्हारे मरने के बाद मैंने दूसरी शादी कभी नहीं की और बबलू की परवरिश भी बहुत अच्छी की है पता है कांदा बटाटा का खुद का ठेला है और जब तुम्हारा फिर से जन्म होने वाला था आई डिडंट वांट टू बी लेट इसीलिए मैंने उसी पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दी सावित्री सावित्री हाँ सावी हाँ सच्चे प्यार ने हमें एक बार फिर मिला दिया इस बार तुम्हारा किसान तुम्हें खोना नहीं चाहता है आओ सावी आओ अरे देखो मंदिर इधर ही है इसी वक्त शादी कर लेते हैं चलो अरे एक मिनट मंदिर एक मिनट जूते अरे सावी क्या हुआ Oh, he is crazy. He is absolutely mad. ऐसे पागल से क्यों मिला लिया तुमने? सावित्री, सावित्री। कहाँ मैं तुम्हारी शादी के चक्कर में फंस गई? किसने कहा फंसने के लिए? हाय मैं सद के जावा तुम दोनों फिर झगड़ने लगे? कोई गल नहीं जी, शुरू शुरू में मियाँ बीवी में झगड़े होंदे ही रहंदे। और बाद में आदत पड़ जाती है भाभी जी। ये फिर नाराज हो गए? अरे ये तो चले गए। चलो असी भी चलते हैं। चाबी कित्थे हैगी? चाबी आ रही। ऐ सिक्का हैगा जी वो इसका मतलब पानी में मैंने चाबी फेंक दी हाय मैं सबके जामा पुलक्कर सिंह जी इन्होंने की मुझे लगता है राज शादी करना ही नहीं चाहता हमें इसे फोर्स नहीं करना चाहिए नहीं यार ऐसी बात नहीं एक्चुअली ना उसे आज तक ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जिसे वो दिल से चाह रहा हो ओह गॉड अच्छा सुन ऐसा करना आपकी बार तू उसे ऐसी जगह लेके जाना जहाँ मूड हो म्यूजिक हो मस्ती हो मैं जानती थी तुम्हें जगह पसंद आएगी राज कहाँ ऊपर मैंने पूनम से कहा था कि ऊपर मिलेंगे वहाँ कम क्राउड है और टेबल्स भी हैं तुम दोनों बैठकर जरा यू नो तुम मेरा कितना अच्छा ख्याल रखती नाउ लिसन पूनम एक इंटीरियर डिजाइनर है उसने न्यूयॉर्क से ही डिजाइन का कोर्स किया क्या नाम है उस फेमस कॉलेज का गायतुंडे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन राज मजाक छोड़ो हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ मेरे कॉलेज का नाम था NYU स्टॉप इट ना अगर पूनम के बारे में कुछ जानोगे नहीं तो उससे बात कैसे करोगे अच्छी तरह जानता हूँ उसे क्या बात करनी है मुझे इसी बात का तो डर है वो रही पूनम क्यूट लग रही है ना हेलो नम्रता गाइड राइट हाय पूनम हाय पूनम राज राज पूनम हाय राज हाउ आर यू फाइन हाँ पर फ्रेंड्स के लिए सिर्फ पोनी और जब आपके बाल खुले हो तब आपको क्या बुलाते हैं पोनी पोनी ऑफ कोर्स व्हाई डोंट वी ऑर्डर समथिंग टू ड्रिंक हां या दैट्स अ गुड आईडिया तो क्या लोगी तुम मैं वोडका सर दिस इज नॉट योर ड्रिंक सर कोई बात नहीं रख दो
Put it down. Raj, पहले पोनी से नहीं पूछोगे क्या लेगी वो? Oh yeah, just take their order. Okay. So, पोनी, क्या पियोगी तुम? Vodka, Bacardi, rum. No hard drinks for me. One virgin pina colada. That's all. One virgin pony colada. One virgin pina colada for pony. Or Navrata. Tum kya logi? Only coke, no ice. Arre Navrata, yaad hai tum keh rahi thi ki tumhe phone karna tha. You remember? Ho gaya, kar liya. Aapki hobbies kya kya hain? Pardon me? Hobbies. Hobbies? Ji. Right. शादी के लिए लड़कियां देखना जी मैं हर साल ऐसे ही करता हूँ वो क्या है गर्मी की छुट्टियों में आता हूँ और शादी के लिए लड़कियां देखता हूँ मामा जी भी खुश रहते हैं उनका टाइम पास हो जाता है वो कहते हैं कि अच्छा है भाई की बात कम ऑन राज ही इज सो फनी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती मैं भी आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ मुझे तो खुशी हो रही है कि आपने Hello, Kabaddi. How could you do this, Raj? क्या जरूरत थी इसका दिल दुखाने की? Oh God. Pony. So your drinks? नीचे. So your drinks? अरे यार टेबल के नीचे. Pony, Raj didn't mean that. No hard drinks. वो बात नहीं है. कौन वो गंदी शर्ट वाला? मैं मोनी, वो ग्रे जैकेट वाला विक्रम. मेरा पहला और आखिरी प्यार. क्या हुआ उसे? लास्ट टू लास्ट वीक विक्रम और मेरी लड़ाई हुई थी. उसे मेरा ड्रेस पसंद नहीं था. पता उसने मुझसे क्या कहा? पोनी, तुम जैसी हजारों लड़कियां मुझे मिल सकती है. Can you believe it? तो मैंने भी उसे कह दिया, मुझे भी तुम जैसे हजारों लड़के मिल सकते हैं. मैंने सोचा था किसी और से शादी करके मैं विक्रम को दिखाऊंगी, वो पछताएगा. पर सच बात तो ये है कि I really love विक्रम. मैं उसके बिना मर जाऊंगी. I swear, seriously. Thank God. क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पोनी, don't worry. हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, don't worry. पर तुम करोगे क्या? आज मैंने जो देखा किस्मत का तारा बदली नसीब की रेखा तुम्हें आज मैंने जो देखा तुम्हें पहचानूं तुम्हें
तुम्ही को जानू तुम्ही को मानू मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मिल गया। सच ही तो लिखा है ना? मतलब तुम्हें नहीं लगता क्या कि आज अगर हम नहीं मिलते तो शायद पोनी और विक्रम नहीं मिल पाते? पोनी विक्रम कितने खुशनसीब हैं। नम्रता, क्या तुम्हें लगता है कि पोनी विक्रम सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं? I'm sure. प्यार सच्चा है ये पता कैसे चलता है? पता चल जाता है रात हो जाए और नींद ना आए और उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। You just get to know it, Raj. रोज रोज ये रोज जीजा जी भेज देते हैं, मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो तुझे भी कोई रोज रोज भेजेगा। क्यों? जब किसी लड़की को रोज गुलाब दिया जाता है तो उसका मतलब होता है आई लव यू। रियली? राज, तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई? कौन है वो? राज प्लीज। अगर मैं तुम्हें बताऊं, प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। निकी, बताओ ना। नम्रता। नम्रता, हेलो, तुम पहुंच गए? कहाँ हो तुम? ऑफिस में। अब तक? हाँ, 10 मिनट में निकल रही हूँ, तब तक तुम कविता से मिल लो। ओके बाय। कविता? या राज, राइट? हाय। मैंने तो फोटो देखकर ही आपको पसंद कर लिया था, लेकिन आपको मेरी पसंद कैसे पता चली? कौन सी पसंद? ये मुझे नहीं पता। गेस किया? नहीं। वहां क्यों रखा? जिसके लिए लाए हो
उसे दे दो ना। डोंट वरी, दे दूंगा। तो तुम्हारी क्या क्या हॉबीज हैं? हॉबीज राज और कविता, सो क्यूट। अरे बेटा काम करोगे? मेरी मम्मी ने कहा है किसी अजनबी से बात नहीं करने का। इधर बैठो। मैं राजू, अमेरिका से हूँ। और तुम? मैं आदि, सेंट पीटर्स बोर्डिंग स्कूल से। देखो अब हम दोस्त बन गए, अजनबी तो नहीं रहना। प्लीज आदि मेरी मदद करोगे? आइसक्रीम दूंगा। वैसे करना क्या है? ऑलराइट। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? ओह आई एम सॉरी स्वीटहार्ट। आप तो बड़े वो हैं। आई मीन मैं समझ गया। मेरी नई मम्मी, तुम कब हमारे साथ कर रहे हो? व्हाट यू डूइंग? हम लोग बहुत मजा करेंगे। नहीं बेटा वो मम्मी नहीं है, ये मम्मी है। बेचारा, जब से इसकी मम्मी ने हमें छोड़ दिया, हर लड़की को अपनी मम्मी समझता है, माँ के प्यार को बहुत मिस करता है। तो तुम्हारी शादी हो चुकी है? डिवोर्स भी हो चुकी है। लाइन क्लियर है? देखो कितना प्यार करने लगा तुमसे। हम सब चारों कितने खुश होंगे। चारों? हाँ घर में एक और है ना, बबलू। ओह माय गॉड। अरे बाय। Yeah! Yes! Adi! Gotcha! Yeah, yeah! Good morning, Mom! Good morning, big boy! तुमने तो मुझे डरा दिया! Adi! आदि फोटोज यहां दो। नहीं। ठीक है फिर तो तुम्हें पता ही है कि खाने के बाद क्या नहीं मिलेगा। आइसक्रीम। हाँ यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। या हाय आदि। हाय 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 निकी। क्या पक रहा है? नहीं मेरी। दीदी आप इन दोनों को बोलो कि मेरी बात सुने। बिल्कुल आज पूजा इंचार्ज है, दोनों इसकी बात सुनेंगे। ओके नमस्ते। समझे? कब भी नहीं। आर्या रुको, रुको आर्या। वाह नम्रता पनीर तो बहुत डिलिशियस है। आई विश आज मुझे अजय के घर लंच पे नहीं जाना होता, वहाँ का खाना तो बहु हो तो ऐसी। ये मुझे वाली लड़कियाँ कौन है? ये तुम्हारे लाडले भाई के लिए। ओ, पर अब तो उसे लड़के दिखाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? उसने तुम्हें नहीं बताया? यू मीन राज ने लड़की पसंद कर ली? मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। हाँ मैंने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों बताएगा? अब तुम्हें नहीं बताएगा तो और किसे बताएगा? हैव पेशेंस। पेशेंस? निकी बताना कौन है वो। सॉरी गॉट टू गो। निकी बाय आदि पूजा। लिसन ना। चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो,
कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो अच्छे लगते हो। मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो अच्छे लगते हो। दिलकशी ताजगी दिलकशी तुमसे है ताजगी तुमसे है। तुम हुए हम नशे हो गई मैं हंसी रंग तुमसे मिले हैं सारे। तारीफ जो सुन के तुम ऐसे शर्मा जाती हो अच्छी लगती हो। कभी हंस देती हो और कभी इतरा जाती हो अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो अच्छे लगते हो। चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती 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 हो।
मेरी पंची। बाप के लिए मैं तेरा क्या बिगाड़ी रे, मैं तेरे को पिंजरे में बंद कर दी रही, छोड़ती रही जाती की तरह रे। ए आदि क्या हुआ? किधर गई रे वो बदमाश, किधर गई रे? तू बदमाश, मैं इसको छोड़ेगी नहीं रे। तू कौन रे? मैं इसका बाप हूँ। ये भी तुझका नहीं छोड़ेंगे सिंगल पसली। मैं इतना लंबा ट्रैवल करके हिमालय की चोटी पे जाने की छोटे छोटे चिड़िया पकड़ने की आपका पाव किलो सॉरी आपका लाडला वो उसका पिंजरा खोल के मेरा सब पंछी को उड़ाने की मेरा पूरा नुस्खान करने की है। ये झूठ बोलता है, इसने यहाँ की चिड़िया पकड़ कर उनको स्प्रे पेंट किया। पापा सर, ए सिंगल पसली सर, पहले एक बात बताओ सर, इतना छोटा सा लड़का इतना कॉम्प्लिकेटेड पिंजरा कैसे खोल सकता है? सर खोले सर, नहीं हो सकता है। नहीं नहीं सर, मैं कसम खाती खाली पिंजरे की कसम खा के बोले की इसने खोले और छोड़ी सर। मैं नहीं मानता। खोले बोलती है ना मैं? नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है। अभी मैं आपको करके दिखाएगी। ठीक है चलो आदि देखो। ए पोट्टे लाडली, तेरे डैडी को तेरे अप्पा को बताने की ये पिंजरा तूने कैसे खोल के उड़ाने की है, बता रे। चलो दिखाओ। बता रे। दिखाओ दिखाओ। सर देखी मेरी चोटी चोटी मेरे रोजी पाने हवा में उड़ गई, तेरा चोकरा कितना चैप्टर। ये क्या सर? अब ठीक है ना? थैंक यू सर, इस बार छोड़ रहा हूं। पंची पंची को सर? नहीं तुम्हें। आइंदा पिंजरे के साथ दिखाई दिया ना तो ऐसे स्प्रे पेंट करूंगा कि तुझमें और पंछियों में कोई फर्क नहीं दिखेगा। समझ गया सर? लुंगे नीचे करो, रास्ता नापो, शरीफों का इलाका है। ओके सर। थैंक्स राज। ए आदि, एनी टाइम बड़ी। चलो आज मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। फिर कभी। ओके ओके बाय बाय। राज हाय, यहाँ कैसे? वो तुम ही से मिलने आया था। तुम्हारा घर बसाने की जिम्मेदारी मैंने ली, लेकिन लड़की पसंद करके तुमने निकी को बता दिया? हाँ, यू कैन टेल मी। देखो मॉम, कितनी सारी मछलियाँ। आदि, वाओ मॉम, कम सून, जल्दी आओ, देखो ना। कम या, व्हाट यू थिंक यू डूइंग मॉम? देखो ना कितनी कलरफुल मछलियाँ। तो फिर क्या होता? देखो ना आदि, be a good boy, okay? Mom, can I have an ice cream? No. Okay, chocolate. No. Right. Adi, that's Raj. Raj, ye to mera dost hai. Hum pehle mil chuke hain. Tum mere bete se mile ho? कहाँ मिले थे मॉम को बताना मत, ये हमारा सीक्रेट है ना। सीक्रेट्स और मुझसे? घर चलो फिर देखते कौन किसे क्या सीक्रेट्स रखता है। और क्या था वो चिड़ियों के बारे में? मॉम, वो चिड़िया वाला था ना, वो यहीं रहता हूँ। पर ये तो मेरे छुपने की जगह है। ये मेरी छुपने की जगह है, मैं यहाँ तब से छुप रहा हूँ जब मैं तुम्हारे जितना था। तुम किससे छुप रहे हो? आर्या से, मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलता।
और तुम किससे छुप रहे हो? किसी से नहीं। तो फिर तुम यह क्या कर रहे हो? यू समझो कि मेरा मूड खराब है। क्यों? तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ों की बात है। तो क्या मैं छोटा लगता हूँ? ठीक है, मेरा मूड इसलिए खराब है क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जिसे मैं पा नहीं सकता। क्यों? पता नहीं। तो फिर किसे बताएं? गॉड को? शायद। मेरी मम्मी कहती है कि गॉड को सब कुछ पता है, तो शायद गॉड को ये भी पता होगा कि मेरे डैड कहाँ है। मतलब? मेरे डैड पता नहीं कहाँ है, वो मेरे स्कूल भी नहीं आते। बाकी सबके डैड आते, सिर्फ मेरे ही नहीं आते। तो फिर समझो कि मेरा मूड खराब हो जाता है। पूजा दीदी, चलो चलो। हे राज, तुम किसी को भी नहीं बताओगे ना कि हम लोग कहाँ छुपे थे? कभी नहीं। थैंक्स। हाय पूजा दीदी। चलो राज भैया, निकालो पैसे। किस लिए? शगुन। बिल्कुल फंस गई। घर आओ तो बताती हूँ, अब नहीं बचूंगी। थैंक यू। पकड़े गए ना राज? और आप भी पापा। ओफो, क्या मुसीबत है भाई। ये लो, ये लो। सी कॉकरोच। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये ये। अरे आर्या, आदि, अब तुमने क्या किया? कुछ नहीं। हाँ हाँ, इनफ मस्ती। बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। लेकिन है बहुत प्यारा। हाँ प्यारा तो है। मामा जी। हाँ। नम्रता का हस्बैंड कहाँ है? अरे तुम्हें मालूम नहीं, वो तो चला गया। अरसा हुआ दोनों को छोड़ के चला गया भाई। नम्रता ने उसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं। नम्रता आदि को अकेली बड़ा करती आई है, और आज तक मैंने उसे सिर्फ एक बार रोते देखा है, जब आदि को वो पहली बार बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने गई थी। राकेश जी। ओ हाय। अब मैं पहनाऊं? आप पहनाओ। अरे ये क्या है? दिखाओ। मुझे दो, मैं इसका एरोप्लेन बनाऊंगा। आदि। अब तुम्हें भी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैं भी तुम्हें चूड़ियां पहनाना चाहती हूँ। निकेत, तुम जानती हो ये नहीं हो सकता। आदि, चलो। That's a good boy. Yeah. Here you go. No way, आदि, पहले जाके खाना खा लो, मैं अभी आती हूँ। चलो चलो, जल्दी से खाना खा के आएंगे। अरे भाई नम्रता, तुमने निकी को तो चूड़ियाँ पहना दी, लेकिन इसके सर पे सहरा कब बनवाओगी? बहुत जल्दी सर। मामा जी, मुझे किसी और लड़की से नहीं मिलना। नहीं, कोई मिल गई क्या? नहीं मामा जी। नहीं नहीं सर, मिलेगी ना, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिलती। तुम नहीं समझोगी। अरे क्या नहीं समझोगी? क्योंकि ये बड़ों की बात है, खाना खा लिया। गुड बॉय। ये अरे अरे अरे, खा जा रही हो भागकर। मॉम आर्या को बोलो ना मेरा प्लेन वापस दे। तुम पेपर प्लेन छोड़ो और मेरे साथ चलो। कम ऑन बॉयज, बॉक्स। कम ऑन, राइट, देयर वी गो। या अनदर राइट, लेट्स टेक दिस। कम ऑन, या कम ऑन, ऐसे नहीं ऐसे। क्या हुआ आदि, लगी क्या? लड़की हो? नहीं, I'll get you this time. Go on, try again. Go on. Stop. Oh, now you're dead. Yeah. Here. Yeah. Yeah. मैं सबको बॉक्सिंग दिखा दूंगा, स्कूल में उनकी छुट्टी हो जाएगी। किसकी? बड़े लड़कों की, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
अच्छा तो तुम ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे, 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 इलाज, तुम मेरे डैड बनकर स्कूल चलोगे? आ, got you, राज। आदि चले? मॉम राज को बोलो ना हमारे साथ चले, प्लीज। वो लड़के तुमसे डर जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। या राज तुम चलोगे ना? आदि मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें 2-3 दिन में इतना अच्छा बॉक्सर बना दूंगा कि तुम वहां जाके सब बच्चों की छुट्टी कर दो। आई एम सॉरी राज, कभी कभी आदि अपनी डैड की कमी बहुत महसूस करता है। मैं समझ सकता हूँ। तो तुम आ रहे हो ना? जी। हमारे साथ बोर्डिंग स्कूल? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम ही मजा कर सकते हो? हाँ। चलो आदि अपने जूते पहनो। लेकिन नम्रता अगर तुम चाहो तो मैं आ सकता हूँ। राज मैं मजाक कर रही थी। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रियली। तुम ऐसे ही परेशान हो जाओगे। I don't want to bother you. पर आदि को अच्छा लगेगा। तो राज आएगा ना? हाँ। मुझे बॉक्सिंग बॉक्सिंग नहीं आती, कल राज के साथ करना। ओके पर अब क्या खेलें? मॉम 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 ये प्लेन प्लेन के साथ खेलो। पहले ब्रश करके आओ। नहीं नहीं पहले प्लेन दो ना। गो ब्रश टीथ कम ऑन। नहीं पहले प्लेन दो नहीं तो मैं ब्रश नहीं करूंगा। सोच लो, राज गंदे बच्चों के साथ बॉक्सिंग नहीं करता। सच मच? ओके। नम्रता तुम्हारे लिए खुशखबरी है। Can you believe it? मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है और वो कोई और नहीं, तुम हो। I know it's crazy, but अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, मेरे बिना तुम। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे। तुम्हारा राज। सरप्राइज। रेडी टू बॉक्स? तुम राज हो क्या? क्यों मॉम बॉक्स नहीं कर सकती? नहीं। मॉम खाना भी बना सकती है, ऑफिस भी जा सकती है और बॉक्स भी कर सकती है। कम ऑन, आई एम सुपर मॉम। फाइट मी। तुम्हें सर्दी है क्या? क्यों डर गए क्या? फाइट मी आदि। ओके मॉम। या चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। ओके कम ऑन गो। आदि उम्मा सॉरी 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 लगा तो नहीं ना? हाँ ठीक हो ना? चलो खेलते हैं। कम ऑन आदि, लेट्स फाइट। सॉरी 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 टाइम प्लीज गॉड। आदि आदि एक मिनट। हाँ आदि आदि तुमसे नहीं होगा। चलो आज के घर चलते हैं। अभी सारी पैकिंग बाकी है ना, और फिर कल स्कूल जाना है या नहीं? अरे हाँ। किसे फोन कर रहे हो? राज को, वो भी तो स्कूल आने वाला है। राज को?
हाँ मेरा डैड बनकर फिर मैं मेरे सारे दोस्त सबको दिखा दूंगा। आदि राज हमारे साथ नहीं चलेगा। पर उसने कहा था वो आएगा। लेकिन उसको बहुत काम है। राज नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद तुम्हें बोर्डिंग स्कूल वापस नहीं जाना होगा। बस आखिरी बार, आई प्रॉमिस। राज के बिना मैं नहीं जाऊंगा। वह सबके डैड आते हैं। लेकिन राज तुम्हारे डैड नहीं है। तो कहाँ है मेरे डैड? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? कितनी बार मैं बोलूं कि बेटा आदि देखो मॉम तुम्हारे लिए क्या लाई है। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आदि राज के बिना मैं नहीं जाऊंगा। जाना होगा। जब राज नहीं थे तब नहीं जाते थे क्या? वापस कर दो। नहीं दूंगा। आदि गिव मी द बॉल। नहीं आदि देखो जिद मत करो। ये क्या बदतमीजी है? क्या किया तुमने? बहुत बुरे बच्चे हो तुम। तुम बहुत बुरी मामो। कभी मेरे डैड से नहीं मिलाती। बाकी सबके डैड आते सिर्फ मेरे ही नहीं आते। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। ट्रेन 5 मिनट में शुरू हो जाएगी। मजा तो तब आएगा। तुम मुझसे कट्टी हो, चल जाके चॉकलेट ले आते हैं। मेरे लिए राज चॉकलेट लाएगा। राज नहीं आएगा। पर उसने प्रॉमिस किया था वो जरूर आएगा। आप जरा उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। डोंट वरी, आप जाइए। मैं अभी आई। ये की चाहिए ना मैडम? 35। ओके। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदि की डैड ने आदि के लिए चॉकलेट्स ऑलरेडी खरीद लिए हैं। नम्रता क्या हुआ? अरे आई वाज जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था। और ये भी मजाक है? ये तुम्हारे पास तुम्हीं ने लिखा है ना? देखो नम्रता ये सब बातें बाद में करते हैं, ट्रेन छूटने वाली है। तुमने लिखा है या नहीं? नम्रता इस वक्त मेरा आदि के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। तुमने लिखा है या नहीं? हाँ लिखा है, अब चलें। आदि ने अपने पिता को कभी देखा नहीं। इस सच्चाई को मैं बदल नहीं सकती, लेकिन तुम इस बात का फायदा उठा सकते हो, इतना गिर सकते हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाउ कुड यू राज, आदि को बहाना बनाकर तुमने मुझे पाने की कोशिश की। नम्रता तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। हाँ मैंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस वक्त मैं जानता नहीं था कि आदि तुम्हारा बेटा है। नम्रता, नम्रता, जब मुझे पता चला तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं जानता हूं कि मुझे अपने आप से दूर करने की तुम्हारे पास हजार वजह होंगी, पर तुमसे दूर ना जाने की मेरे पास सिर्फ एक ही वजह है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। नम्रता आई प्रॉमिस यू, मेरे साथ रह के तुम बहुत खुश रहोगी।
तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? और तुम क्या सोच रहे हो? एक बेचारी औरत पर एहसान कर रहे हो? एक अकेली माँ अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती? मैं और आदि बहुत खुश हैं, और हमारी जिंदगी में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। और तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकती। Your homework? Dog ate up your homework. कुत्ता ने तुम्हारा होमवर्क बुक खा लिया। ये कोई बहाना नहीं है किरण, तुम इतनी बड़ी लड़की हो, क्लास में जाकर सो उठक बैठक करो। Come on now, run along. Miss Lobo is very strict about her discipline. चलो चलो जल्दी करो। कितना से दाजी को ने हाथ है कि मक्खन एक चीज ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो। ऊपर से फुलाकर मैं तो तंग। नमस्ते लोबो पेंची। हेलो भाई पड़ो जी, मेरे भी दोनों हाथ जोड़ के लोबो पेंची को सबसे काल करने दो। सत्रिय काल लोबो पेंची। गुड मिस सबके जामा तो आधे टूटे हाथा नू खाने दा सत्या नाश कर देता। गुड मॉर्निंग। यस माई सेल्फ बंटी डैडी एंड शी सेल्फ बंटी मम्मी। हु इज बंटी? बंटी कौन है? साडा पुत्र है जी। बंटी तो घर का नाम है। मैं सके जावा स्कूल का नाम बताओ ना। हाँ जी हाँ जी। सरदार परमिंदर सिंह अलूवालिया। ओ परमिंदर, I have been waiting to meet your parents. Good. हाँ, he is very good. He is very bad. पेंजी की बोल रही है? ये बोल रही है कि हमारा बच्चा क्लास में बहुत अच्छी इंग्लिश सीखता है। सीखता है? मतलब बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। इतनी अंग्रेजी नहीं आती। हाय मैं सके जावा, साडा बंटी इतनी चंगी इंग्लिश सीखता है। आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं, वो हमेशा पंजाबी में बोल रहा है। लो जी, हम पंजाबी है तो बच्चा जापानी थोड़ा बोलेगा। की बोल रही है? जापानी बोलने को बोल रही है? लेट मी एक्सप्लेन। वो सोटा जागता पीटा खाटा पंजाबी। अपना बच्चा खाता पीता पंजाबी है? नहीं, मेरे ख्याल से पेंजी को पंजाबी खाना पसंद है। लो जी, सरसों दा साग, तंदूरी मुर्गा, मक्के दी रोटी। ओ संभाल के जी, बंटी दे पापा मीट तो बहुत बढ़िया बनांदे हैं। आपको भी खिलाएंगे जी कभी। तुम हमेशा खाने के बारे में सोचता है। आहो जी। कभी पराई के बारे में नहीं सोचता? पराई के बारे में भी सोचता है कभी कभी। फिर मेरे नाल लिए पढ़ाई के बारे में सोचो। कार चलो तुसी। ओहो, तुझे इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती। अंग्रेजी में पढ़ाई को पढ़ाई कहते हैं। बड़ी पैड़ी होंदी अंग्रेजी। Forget about all this. I can't handle it. Just give me his homework books and go. मम्मी, टीचर मेरे होमवर्क दी किताबा मांग रही है। ओ पता यार, हमें भी बहुत अंग्रेजी आती है। ओ किताबें निकालो जी इसकी होमवर्क की। ओ किताबें किधर हैं? किताबें तो मैंने कार छोड़ दी। स्कूल बैग में किताबें रखती तो खाना कितने रखती मैं? यही नुकसान है जी अनपढ़ जनानी का। हम अभी किताबें लेके आए जी। चलो आप जरा फ्रूट का ध्यान रखना जी। जनानी देखी नहीं कि अनपढ़ जनानी? कार चलो तुसी। व्हाट अबाउट दिस फूड? अरे मंदिर वाले भाभी जी। भाभी जी, आदि आपका लड़का है, बंटी साडा। मैं सदके जावा, आदि तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है। और बंटी मेरे पे। आपको हमेशा शक रहता है। अब बेटा तेरे पापा नहीं आए? नहीं, मेरे डैड को कुछ काम था। ओहो, आज के दिन तो काम छोड़ देते, आ जाते तो बच्चे को खुशी होती। पापा, मिस लोबो। अजी मिस लोबो से डर रहा है, इसकी किताबें तो ले आए। तुसी आदि नाल खेलो, असी हुने आए। अच्छा भाभी जी। अच्छा चलो भाई। आदि देख, मैंने छुट्टी छोटी छोटी मूछ भी आ गई। अरे देखना, अगली छुट्टी में तो तेरी दादी भी आ जाएगी। आदि मैं रूम में तेरे बैग रख के अभी आई। ओके, सी यू लेटर बिग मैन। सादी हाई टेन। एक चॉकलेट? कोई गल नहीं, वन बाय टू कर लेंगे। ओके। पिंगू इतना सा और चॉकलेट इतना बड़ा। ए मेरा चॉकलेट वापस दे। नहीं तो क्या करेगा? मम्मी को बुलाएगा, मम्मी हमें डांटेगी। मैं तो डर गया रे। मैं अपने डैडी को बुलाऊंगा, वो तुझे बॉक्स करेंगे। और मेरे डैडी तेरे डैडी को किक मारेंगे तो तेरे डैडी छत पे पहुंच जाएंगे।
और मेरे डैडी ऊपर से जंप मार के नीचे आकर तेरे डैडी को, तेरे डैडी और वहाँ से जंप करेंगे टिंगू। छूटे ना ही तेरे डैडी है और ना ही वो जंप कर सकते हैं। मेरे डैडी हैं। तो फिर बुला तेरे डैडी को। झूठा 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 झूठा। Jam? Hi. And how are you? Huh? Adi the ready, aa gaye. Ab wo upar to jumpenge. Jumpenge? Kahan se? अरे ये तो डैड नहीं, सुपर डैड निकला। अरे ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है यार। कुछ कम तो नहीं बोल दिया? कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? पूछना तो चाहिए था। अब क्या करूं? जब मारो उन लोग को दिखाना है ना। बेटे बिना हाथ पैर वाले डैड का करेगा क्या? ओ गॉड, आदि कम डाउन, आदि नीचे आ जाओ अब सीढ़ी से। ओके मॉम। आदि क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है? चलो राज को बोलो जल्दी से नीचे आ जाए। कम ऑन। ओके कम ऑन डैड, जंप डाउन। बस और कुछ तो नहीं बोला ना। इसका मैं क्या करूं? इन्हें छत पे किको। What? हाँ इसे पैर से मारो। बेटा इसके लिए पैर चाहिए ना, पहले नहीं बोल सकता था? तो तुम नहीं मारोगे क्या? चलो उधर। यू हैव बिकम वेरी पगली। मैंने क्या किया जी? आपने मुझे बॉल से मारा। नो बैल जी, हीनो किता। मैं तो सिर्फ कैच, फर्स्ट टाइम कैच। हाय रब्बा, फर्स्ट टाइम कैच किया, चपेट खा लिया। तेरी तो छुट्टी हो गई। I'm sorry. All right. I want to know who did this. Miss Lobo, जो हुआ गलती से हुआ, बच्चे हैं ना? I know, but I still want to know who did this. कौन किया? मैं बताता हूँ। अविवाहित अध्यापिका जी, आपके प्रिय शिष्य आदित्य कुमार श्रीवास्तव के सम्माननीय पिताश्री के चरण कमलों से उछाला गया चरण गोला अध्ययन शाला की छपरेल से मिलाप करके आपके पार्श्व स्थान का चुंबन स्वीकार कर इन अति बुद्धिशाली मानुभाव के हस्त कमलों में आके प्रतीक्षारत हो गया। बल्ले बल्ले। I see. Does anybody over here know English? No English, only Hindi mixed with Punjabi. पैन जी। Okay, Miss Lobo, हम आपको हमारी हिंदी आपके इंग्लिश में समझाते हैं।
ओके व्हाट मोमेंट ए बी बी जी टी पी ओ जी ओए ओए रुको ऐ की कह रहा ए बी बी जी टी पी ओ जी आई पी के आई यू पी ओ जी ए बी बी जी स्टॉप इट व्हाई आर यू फॉलोइंग मी लाइक दिस टी पी ओ जी I P K I U P O G. Oh my! Oh. Yeah, 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 yeah. A P B G P P O G. I P K I U P O G. Oh, come on! Come on! हम चाहते जैसा जैसा सब वैसा वैसा होता जरा सोचो तो ऐसा होता तो कैसा होता हम चाहते जैसा जैसा सब वैसा वैसा होता जरा सोचो तो ऐसा होता तो कैसा होता ए बी बी जी टी पी ओ जी आई बी के आई यू पी ओ जी हम रोज छुट्टी मनाते सिर्फ संडे को पढ़ने हम अपने स्कूल जाते टीचर उतने ही खुश होते जितने हम लेट होते हर क्लास में आइसक्रीम होती हर क्लास में चॉकलेट होते स्कूल हमारे सपनों के स्कूल के जैसा होता जरा सोचो तो ऐसा होता तो ओ प्यारे प्यारे टी पी ओ जी ओ प्यारी प्यारी यू पी ओ जी जैसा जैसा
सब वैसा वैसा होता, जरा सोचो तो ऐसा होता तो मत रो बेटा, मत रो बेटा, स्कूल ही है, कोई जेल तो नहीं। ओ भाई साहब, ये बच्चा मेरा है। ओ सॉरी सॉरी, क्या कि यूनिफॉर्म में सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, सॉरी। ओहो, कहाँ गया अपना बंटी? बहन जी, आपने मेरा बच्चा देखा, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही क्या, ये तो ही बच्चा है। और मैं थोड़ी बहन जी कब से हो गई? आजा पुत्र आजा। ओ तू रो रहा है, कमाल है। ओ शेर के बच्चे स्कूल जाते हुए कभी नहीं रोते। शेर के बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते। मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं स्कूल जाता था तो हंस हंस के जाता था। अभी फेंक रहे हो जी, तुसी पंजवी के बाद तो कभी स्कूल नहीं गए। ओहो, अरे बंटी जी, बाय बंटी। मेनू भी ऐसे सुपर डैड ला दो। ओ पकड़ो इसे, सुपर अंकल बेटा, सुपर अंकल। हाँ। आप आइए कभी हमारे। हाँ भाई साहब, साडा गेस्ट हाउस तो पास ही है, आते जाते रहना। जी फिर कभी, अब चलते। आहो, उन तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा, साडे बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। हाँ। ना नमस्ते। अच्छा सत श्री अकाल। दूसरों को अंकल कहते हैं, डैड नहीं। अपना ख्याल रखना, ओके? खाना बराबर से खाना, और हर संडे मुझे खत लिखना। एंड डोंट वरी, ये वक्त कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और तुम घर वापस आ जाओगे, तब तक बी स्ट्रॉन्ग एंड रोना मत। मॉम, मैं ठीक हूँ, मुझे स्कूल अच्छा लगता है, पर क्या तुम ठीक रहोगी? राज, समझ गया ना? राज। ओ, ओ, ए, आदि, व्हाट्स अप बिग मैन? राज, तुम भी जा रहे हो? राज, मैं तुम्हें हमेशा डैड बुला सकता हूँ? अब तो बुलाना ही पड़ेगा ना। ए आदि, जल्दी आ। आ रहा हूँ। बाय चैंप। बाय डैड। गिव मी फाइव। अप हाई, डाउन लो। टू स्लो। राज, स्टेशन जाना चाहती हूँ कि बस स्टैंड? स्टेशन। राज, आज तुमने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, जानता हूँ, लेकिन मैंने आदि को प्रॉमिस किया था। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ओह, आई एम सो सॉरी। अब मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। तुम मुझे अपनी पूरी बात कहने क्यों नहीं देते? जो तुम्हें कहना था नम्रता, तुमने उस रात स्टेशन पे साफ कह दिया। उस रात मानती हूं गलती मेरी थी। तुम मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। जानता हूं, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया, और अब मुझे यकीन है कि उसके पीछे भी तुम्हारी कोई गलती होगी। गाड़ी रुको। I said please stop the car, राज। गलती तो हमेशा औरत की होती है ना? नम्रता, मेरा मतलब ठीक कहा तुमने, गलती मेरी थी। मैंने उसे शादी की, उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की, मगर वो गलत कैसे हो सकता है? पति जो ठहरा, एक पति की खुशी से उसे क्या लेना देना? मेरी जिंदगी में वही सब कुछ था, मगर उसकी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ, और उसी पैसे को कमाने के पागलपन में पैसे ही खोने लगी। रोज ये सोचता कि आज मुझसे क्या गलती हुई, आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। साथ साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना, पत्नी के सवाल कोई नहीं जान सकता। फिर एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और मैंने सोचा फिर से हमारी छोटी सी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। Just try and relax, Namrata.
सिस्टर फीटल हार्ट रेट 136 डॉक्टर बीपी 125/80 डॉक्टर हाँ सचिव का कॉल प्लीज उन्हें बुला दीजिए सिस्टर यस डॉक्टर यहाँ फोन करके इनके हस्बैंड को मैसेज दे देना जी अच्छा एंड यू प्लीज डोंट वरी समझने की कोशिश करो ये जिद करने का समय नहीं है अगर हम और ज्यादा रुके तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है नहीं समझ रहे हम दोनों ने इस दिन का बहुत इंतजार वो आएगा जरूर आएगा मैडम इस नंबर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है सॉरी नम्रता वी कांट वेट एनी मोर प्लीज अंडरस्टैंड सिस्टर टेक हर टू द ऑपरेशन थिएटर ये लो मैडम आपका बेटा इन 7 सालों में एक बार भी अपनी बेटी की सूरत नहीं देखी उसने मैं आज तक नहीं जानती वो हमें इस तरह छोड़कर कहाँ चला गया एक बार पलट कर देख तो लेता ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे क्या तुम जानती हो कि किसी और के किए की सजा तुम अपने आप को दे रही हो आदि को सजा दे रही हो और मुझे भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूं कभी अपने दिल से पूछा कि वो क्या चाहता है हमारे रास्ते अलग हैं Yes.
तुम क्या कहना चाहती थी? हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थर थर आए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थर थर आए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम, कहनी है तुमसे जो बातें, बैठो जरा अब सुन भी लो तुम, क्या मेरे ख्वाब हैं, क्या है मेरी आरजू, तुमसे ये दास्तां क्यों ना कहूँ रूबरू, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। कुछ रहा नहीं, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थर थर आए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ, कुछ ना दीदी, how nice to see you, my dear. Rakesh. So tell me, Didi, I hope it wasn't very tiring. Nope. Looking nice, huh? So you. लौटते ही मंदिर, मुझ पर भरोसा नहीं है, पर मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती।
कुछ मांगना चाहोगे? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। फिर मेरा सिक्का वापस करो। अब ये मेरा है। पहली बार तुमने मुझे कुछ दिया है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, भगवान को भी नहीं। देखो ना बुआ कितना अच्छा बना है। यहाँ एक बो लगा लो। नहीं मॉम। हाय। अरे हाय मॉम। ओह आई एम सो हैप्पी टू सी यू। बहुत मिस कर रहा था मैं आपको। अच्छा जब से आए हो फोन तो किया नहीं, बहुत मिस कर रहे थे ये। यू आर राइट दीदी। अरे इसे हमसे मिलने का वक्त नहीं है, पता नहीं आजकल कहाँ गायब रहता है ये। गायब रहने की वजह? हाय बहुत खूबसूरत वजह है बुआ, आप उसे देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। क्या? अच्छा तो तुम मिल चुकी हो उसके वजह से। एक मिनट, ये क्या खिचड़ी पक रही है भाई, हमें भी तो बताओ ये कौन है। वही पापा जिससे आपने राज के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहा था। ओह नम्रता, नम्रता। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? एक शादीशुदा औरत को अपनी पत्नी बनाना तुम्हें गलत नहीं लगता? गलत वो था जो उसे छोड़ के चला गया। गलत ये है कि आज तक आदि को पिता का प्यार नहीं मिला। मां जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से सच्चे दिल से प्यार हुआ है, क्या यह गलत है? और मैं उस प्यार को निभाना चाहता हूं, क्या यह गलत है? दिमाग से नहीं अपने दिल से पूछकर बताइए। सवाल मेरे फैसले का नहीं है, सवाल तुम्हारी जिंदगी का है। बेटे अगर तुम्हें यकीन है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बोलो कब घर ला रहे हो उसे? माँ ने दिए हैं, बहू को कंगन पहना देना। माँ से कब मिलाओगे? अपनी सास से बाद में मिल लेना, पहले कप चाय मिलेगी। सुनो माँ ने तुम्हें 10 बजे घर पे बुलाया। राज क्या 8 बज गए, अब तुम जाओ ना। नम्रता प्लीज दरवाजा बंद है। नम्रता राज प्लीज जाओ। क्या हुआ? तुम कुछ भूल रही हो। क्या? चाय। तुम मुझे कप चाय पिलाने वाली थी। हाँ कम ऑन लेट्स गो। गुड़ाओ राज। यस माइंड ब्लोइंग चाय। गो अब क्या हुआ? मैं कुछ भूल गया। मुझे तैयार होना है राज। एक मिनट। हाँ क्या ढूंढ रहे हो? अपना परिवार अभी हमेशा मेरे साथ रहेगा। नम्रता मैंने फोन ये पता करने के लिए किया कि तुम घर से निकली हो या नहीं। नहीं और अगर तुम मुझे यूं ही सताते रहोगे तो देखना बाद में तुम ही पछताओगे। प्लीज कम सून।
आ रही हूँ। नम्रता, मैं आ गया हूँ। यकीन नहीं आ रहा है ना, मुझे भी नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, पहले से भी ज्यादा। अब क्यों आए हो यहां संजीव? ये नहीं पूछा क्यों चला गया था। 7 साल बाद ये सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आज मैं जाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए वापस आया हूं। लेकिन अब मेरी और आदि की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है संजीव। आदि, आदित्य यानी सूरज, द सन, आवर सन, हमारा बेटा। जिस बेटे की तुमने आज तक शक्ल भी नहीं देखी, जिसका नाम तक नहीं जानते, वो आज हमारा बेटा कैसे हो गया? नम्रता, मैं जानता हूँ। जानते हो? क्या जानते हो तुम? मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनेगार हूँ, मगर गुनेगार? नम्रता मेरी बात सुनो। ओके, सॉरी सॉरी। सच तो ये है, तुमने हमेशा सही कहा था, सिर्फ दौलत कमाना सब कुछ नहीं होता। गलत तो मैं था, घर छोड़कर चला गया था दौलत कमाने। इतना भी नहीं सोचा एक बीवी है जो मां बनने वाली है। बस एक जुनून सा था, आई वॉन्ट टू बी अ वेरी रिच मैन, ताकि मैं जो चाहूं हासिल कर सकूं। अपने ही दफ्तर में काम करती थी वो सुनैना। उसने कहा इंडिया से बाहर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज कहीं ज्यादा है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, डर लगा तुम मुझे रोक लोगी, कहोगी हमारे पास जितना है बहुत है, तो चला गया उसके साथ। 4 साल लगातार चक्कर चलाए, उल्टे सीधे रास्ते अपनाए, खूब सारी दौलत कमाई हम दोनों ने। और फूल आई वॉज, बह गया था उसकी बातों में, उसकी अदाओं पर। और वो सुने ना, वो तो सारा पैसा समेट कर किसी दूसरे के साथ भाग गई। कैन यू बिलीव इट, वो मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई। अब ना पैसा रहा और ना सुने ना नम्रता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन तुम बहुत याद आई मुझे, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, सोचा उसी वक्त चलाऊं, लेकिन किस मुंह से आता। फिर 3 साल दिन रात मेहनत करता रहा, जब अच्छा खासा पैसा कमा लिया तब चला आया। मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे माफ कर सकती हो। संजीव, इस वक्त तुम यहां से चले जाओ। नम्रता, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए। बुआ जी, बुआ जी, इधर देखिए ना। अरे तू तो कुछ भी करके आ जाना ना। निकी, क्या ये मैं बाद में बात करूंगी। ओह गॉड, नम्रता, आई एम सो हैप्पी। बुआ जी, बुआ जी, आंखें खोलो, जल्दी करिए ना। राज कहाँ है? अरे क्या आते ही राज, राज पहले राज की बहन से तो मिलो।
अब से मैं तुम्हें भाभी बुलाऊंगी, मेरी प्यारी प्यारी भाभी। साउंड सो ग्रेट। नम्रता भाभी। हाय। बुआ जी, बुआ जी, नम्रता, नम्रता राज की मम्मी। गले मिलो बेटा, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है, खुश रहो। लो, ये कोई बात हुई भाई? आप कैसे स्वागत कर सकती हैं? लड़की वाले तो हम हैं, हम स्वागत करते हैं आपका। चुप, पहले मुझे अपने बहू को जी भर के देख तो लेने दो। दीदी, मैंने कहा था ना, राज के लायक है बिल्कुल लड़की। नम्रता, क्या हुआ? आई ओके? ओफो, नर्वस हो रही है भाई, पहली बार अपनी सास से मिलने आई है ना। अच्छा नम्रता, मुझे तुमसे काम है, यहाँ आओ। आओ बैठो। तुम इस पे साइन कर दो, बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगा। ये और एक यहाँ कहाँ गया? ये एफिडेविट है, इसमें लिखा है कि संजीव 7 साल पहले तुम्हें छोड़कर चला गया था और तब से आज तक उसने तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं किया और इस बिना पर तुम्हें डिवोर्स मिल सकता है। और कहाँ गया ये दूसरे पेपर्स हैं आदि को गोद लेने के। अब से आदि राज का बेटा कहलाएगा। जी, राज कहाँ है? राज तो मुझे पता है, मेरे साथ आइए। आइए आइए नम्रता भाभी। भाभी स्माइल, स्माइल कीजिए ना प्लीज। आर्या, चलो छोड़ो इसे, जाके बुआ जी को बोलो हम लोग अभी आ रहे हैं। राज, मुझे तुमसे कुछ। कुछ ना कहो। This is it. अगर ये एक सपना है तो मुझे मत जगाओ। सिर्फ एक चीज की कमी है आदि, नम्रता, जब मैं उसे बताऊंगा कि मैं सचमुच उसका डैडी बनने वाला हूं तो। राज, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं उसे तुम बताना चाहते हो, लेकिन मुझे उसे बताने दो ना प्लीज। खुशी से वो मेरे साथ इतनी बॉक्सिंग करेगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। नम्रता, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? मैं गलत था। सच तो यह है कि मैं तुम दोनों के बिना जी नहीं सकता। दूरियां।
रहती है ये फिजा, कल कोई था यही लेकिन अब वो नहीं, वो कहीं और है, दर्द का दौर है, कितना गहरा है हम, कैसा है ये सितम, कहती है ये हवा, कहती है ये फिजा, कितना भी गम सहो उतने ही चुप रहो। इतने साल बाद क्या चाहता क्या है वो? 7 साल तक उसे पत्नी और बच्चे की याद नहीं आई और अब रिश्ते का हम जताने आ गया? कमाल है, मैं तो नम्रता से कहूंगा कि वो नम्रता का पति है। पति शब्द का मतलब भी जानता है वो? जब चाहे छोड़ के चला गया, जब चाहे वापस आ गया। वो नहीं नहीं कोई अधिकार नहीं है उसका नम्रता पर। वो आदि का बाप भी है राकेश। अरे उस बच्चे ने शक्ल नहीं देखी अपने बाप की, वो तो राज को अपना। हर खुशी खो गई, सुने हैं रास्ते अब मेरे वास्ते, सिर्फ एक याद है, एक फरियाद है, सिर्फ तन्हाइयाँ, सिर्फ परछाइयाँ, आंसुओं की नदी इस सिक्के को उस कुएं में डालने से जो मांगूंगा मिल जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। ये कॉइन मेरा। दोनों तुम्हारे हैं? नहीं सिर्फ एक। इनमें से कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अच्छा, कोई खास सिक्का है? तुम्हारा नाम लिखा है इस पर? नहीं नाम नहीं, तकदीर लिखी है। लिखी हुई तकदीर ही बदलने लोग यहां आते हैं। एनीवे, तुम दोनों रख लो, मैं नया ले लूंगा। एक मिनट, मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है, किसी एक को चुन लो। यू श्योर? मुराद पूरी होने के लिए सिक्का नहीं, दिल सच्चा होना चाहिए। वैसे भी कोई किसी की तकदीर नहीं छीन सकता ना। पहले कौन डालेगा इस पे, झगड़ा तो नहीं है ना? चलो साथ डाल देते हैं, वरना तुम कहोगे मेहरबानी कर रहा हूं।
अमृता, दिस पूजा फ्रॉम द ऑफिस। अरे यार कहाँ थे तुम आज सारा दिन? सर भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा सुनो, अगर वक्त मिले तो फोन करना, बहुत जरूरी काम है तुमसे, भूला नहीं हा? ओके बाय। हाय नम्रता, दिस इज संजीव। नम्रता, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए परिवार की क्या अहमियत है, क्योंकि तुम्हारा अपना परिवार तो कभी था ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने ही तुम्हें अपनाया था, और उनके जाने के बाद मैं ही तो था तुम्हारा परिवार। मैं आदि की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं बदल गया हूँ। एक बार तो दुश्मन को भी माफ कर देते हैं, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? क्या तुम ये चाहोगी कि आदि अपने डैड से कभी ना मिले? मैं मैरियट होटल में ठहरा हूँ, और उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। नम्रता, मैं राज की माँ बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि राज तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो। तुम दोनों का अलग रहना बहुत मुश्किल है। राज अपने डैड के बिना ही बड़ा हुआ, और वो कभी नहीं चाहेगा कि आदि भी। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। तुम एक पत्नी भी हो और एक माँ भी, और तुम्हें जो कुछ करना पड़ रहा है उस तकलीफ का अंदाजा है मुझे। तुम्हारे इस फैसले में हम सब तुम्हारे साथ हैं। So agreed, तुम मेरी बहन की शादी पे आ रहे हो, राइट? रॉन्ग, अगर सिक्का रंग लाया तो अपने पत्नी और बेटे को साथ लाऊंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अकेले और इसी होटल में ठहरे हो। घर के दरवाजे मैंने खुद के लिए बंद कर दिए थे। परसों पहले अपने नसीब को ठुकराकर मैं अमेरिका चला गया। जब खुद को ठोकर लगी तो यहाँ जो बिखेर गया था उसे समेटने चला आया। याद है तुमने कहा था, किसी को पाने के लिए सिक्का नहीं, दिल सच्चा होना चाहिए। यू नो राज, मुझे ऐसा लगता है आज नम्रता जरूर आएगी। शी विल कम। वो आ गई। नम्रता, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। संजीव, मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना? कैसे नहीं करती? आई जस्ट न्यू इट। आई एम सो हैप्पी। बहुत सही वक्त पर आई हो। आज मैं तुम्हें उससे मिलाता हूं जो इस शहर में मेरा अकेला दोस्त है। राज, तुम नम्रता, तुम एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। मेरा घर बसाने की जिम्मेदारी ली थी इसने। मेरे मामा जी के दफ्तर में काम करती है, और मेरी छोटी बहन निकी, जिसकी शादी भी तुम्हारे हो, बहुत अच्छी दोस्त है इसकी। इसकी बेटे आदि के कहने पे उसके बॉर्डिंग स्कूल भी चला गया उसका डैड बनकर। मामूजी ने इसकी ड्यूटी लगाई कि मेरे लिए एक लड़की ढूंढे जिससे मैं शादी कर सकूं। अच्छा, तो लड़की मिली? कैसी मिलती है? तुम जो बीच में आ गए। वो तो मुझे भूल गई। एनीवे, आई एम श्योर तुम दोनों को बहुत सारी बातें करनी होंगी, तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। अली, थैंक यू फॉर द ड्रिंक एंड गुड नाइट। ऑलराइट। मुझे तो लगता है राज ने लड़की पसंद कर ली, इसलिए तो मंदिर आया था अपनी मुराद मांगने। और तुम्हारी पसंद?
टू ड्रिंक? अच्छा लग रहा है. इट फील्स नाइस टू बी बैक होम. इस सुनहरी रात को यूं ही रहने दो अंधेरे में. औरत के जिस्म का सबसे खूबसूरत और नाजुक हिस्सा है ना, ये वो लकीर है जो दिल और दिमाग को अलग करती है. दिमाग चाहे कुछ भी कहे, दिल उसी को चाहेगा जिसे चाहता है. मतलब ये दिल चाहता है आज की रात तुम्हारे पास रहूं, मगर दिमाग कहता है मेरा किसी से मिलना जरूरी है. लेकिन मैं वापस आऊंगा. हेलो. हेलो नम्रता, दिस इज मिस लोबो. क्या हुआ मिस लोबो, आदि ठीक तो है ना? आदि इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आदि को कोई घर ले जाने आया है. जस्ट अ मिनट. हाँ नम्रता, मैंने सोचा आदि भी हमारे साथ होगा तो कितना अच्छा होगा. लो बात करो. यस यस मिस लोबो, प्लीज आप आदि को उनके साथ भेज दीजिए. हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज, सरप्राइज देने. मेरे डैड बड़ा सरप्राइज देते. जब सब बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे ना, तभी सडनली मेरे डैड बोर्डिंग पहुंच गए. कौन डैड? राज, वो मेरे डैड है ना, सुपर डैड. तुम्हारी मम्मी को भी राज अच्छे लगते हैं? हाँ वो तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं. आप मुझे मेरे डैड के पास ले जाना है हो ना? हाँ. अब से मैं हमेशा डैड के पास ही रहूंगा. हाँ बेटे, अब से तुम हमेशा डैड के पास ही रहोगे. ये नम्रता को दे देना. सारी गलती मेरी है राज. अगर मैंने तुम्हें जबरदस्ती इंडिया नहीं बुलाया होता तो ये कभी नहीं होता ना. आई एम सो सॉरी राज.
हमेशा साथ रहेंगे ना? मैं अभी डैड को बताता हूँ। डैड। हाय डैड। हाय बिग मैन। तुमने ही फोन करके मिस लोबो को कहा था ना कि आदि को भेज दो? आदि में तुम्हारा डैड? डैड नहीं, सुपर डैड। स्कूल में सब बच्चे मिस करते हैं आपको, और मैंने भी आपको बहुत मिस किया। Come on, let's box. Come on. Yeah. Take that. Come on, Dad. आदि बहुत प्यारा है। आखिर मेरा बेटा है ना? लेकिन मैंने उसे बताया नहीं कि मैं उसका डैडी हूँ। ये काम तो तुम्हारा है ना? Come on, man. Can't you beat me? Very good. लगता है काफी लगाव हो गया रात से। आदि को? दुल्हे से हमारी दुल्हन ज्यादा प्यारी लग रही है। ये राज ने तुम्हारे लिए। अपना परिवार अभी हमेशा मेरे साथ रहेगा। राज आज जा रहा है नम्रता, हमेशा के लिए। निकी दीदी को नीचे बुला रहे हैं। चलो, जयमाला का वक्त हो गया है। ये लो, चलो। राज, लगता है मैंने तुम्हारी तकदीर छीन ली। आइए ना इस तरफ। क्या? वो तुम्हारा स्पेशल सिक्का शायद मुझे मिल गया होगा, तभी तो मेरी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो गई। वो सिक्का तुम्हारा ही था, मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया। ओह रियली? अब मिल ही गया तो बताओ क्या मांगा था। किसी का सुख। से सच बता दो नम्रता, बेटा तुम्हारा डैडी मैं हूं। आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरे डैड नहीं हो सकते। मेरे डैड राज है, आप मेरे कोई नहीं हो। एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद तुम डैड सिर्फ मुझे कहोगे। नहीं कहूंगा। आदि मिल नहीं रहा है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं वो कहाँ। ओके ओके, रिलैक्स, मैं शायद जानता हूँ कहाँ होगा, मैं ले आता हूँ, डोंट वरी। बेटा, ये घर इतना बड़ा नहीं है कि आदि इसमें खो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पता है राज बचपन में मुझे ऐसी तंग किया करता था। मैं ढूंढता हूँ आदि को,
कोई बहुत गुस्से में है? इसका मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुड़ के नहीं देखेगा। चलो देख तो लिया लेकिन स्माइल कभी नहीं करेगा। अदे अदे स्माइल भी कर दिया लेकिन मैं जानता हूं कभी गले नहीं लगेगा। अदे अदे मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम ही मेरे डैड हो। चाहता तो मैं भी यही था बेटे, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो भी हम चाहें वही हमें मिले? तुम्हारे डैड वही है जिनसे तुम्हारी मम्मी की शादी हुई थी। आज से तुम सिर्फ उन्हें डैड कहोगे। अदे लेकिन तुम ही ने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा डैड बुला सकता हूं। कहने और होने में बहुत फर्क है और हम दोनों ने तो ये रिश्ता मिलकर बनाया है, ये हमारा सीक्रेट है। लेकिन तुमसे तुम्हारे डैड का रिश्ता भगवान ने बनाया है। इसे ना तो मैं ना तुम बदल सकते हो। क्या भगवान कभी गलती नहीं कर सकते? मिस्टेक हो गई, राज मेरे डैड नहीं है। मेरे रियल डैड तो तुमने सिखाया ना इसे ऐसा कहने को। थैंक यू राज, कितने महान हो तुम। क्यों, तुम्हें नहीं लगता ये महान है? इस आदमी से मिले मुझे 2 दिन भी नहीं हुए और इसने मेरे अपने बेटे को समझा दिया कि वो मुझे अपने बाप को डैड मान ले और मेरे बेटे ने मान भी लिया। राइट सन? संजीव बस भी करो। नम्रता मैंने गलत क्या कहा? मैं तो राज की तारीफ कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पति के सामने किसी पराए मर्द की तारीफ सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? लेकिन राज तो पराया नहीं है।
संजीव, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ महान है ना महान, तो अब क्या बन जाऊं मैं भी महान और स्वीकार कर लूं तुम्हारी माफी? ना, मैं महान नहीं। देखो देखो बेटे, राज या किसी ने भी अनजाने में अगर तुम्हें दुखी किया हो तो उन सब की तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सारा परिवार महान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं मामा जी? आपने तो नम्रता को सहारा दिया है, नौकरी दी है और भांजा भी। संजीव, राज क्या हो गया तुम्हें? संजीव सब समझ गया मैं, सब। इस आदमी ने मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे को फैला फुसला कर मेरी पत्नी से नाजायज रिश्ता जोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। ओ, तो तुमने सेड्यूस किया ऐसे? फिर तो यारी खूब जमी होगी तुम दोनों की। सब गलत समझ रहे हो तुम संजीव। अच्छा, तो फिर ये बताओ, कल मंदिर जाकर इसने मेरे सामने मेरी पत्नी को मांगा, क्या ये सही था? कल मुझसे झूठ बोलकर अपनी दगाबाजी पर पर्दा डाला, क्या ये सही था? राज ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इसकी तरफदारी मत करो, तुम्हारा पति मैं हूं, ये नहीं। संजीव, क्यों बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? आदि मेरा बेटा, नम्रता मेरी पत्नी, जैसे चाहूंगा वैसे बात करूंगा इससे, हक बनता है मेरा। 7 साल के लिए छोड़ के गया था इसे, दोबारा 7 साल के लिए छोड़ जाऊं तब भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। चलो, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, कहीं नहीं जाना। और क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पति हो? नम्रता, ये हमारे आपस की बात है, सबके सामने इस बात का कोई मतलब नहीं। नहीं संजीव, जब तुमने इतना कुछ सबके सामने कह दिया ना, तो जो मुझे कहना है तुम्हें भी सबके सामने सुनना होगा। एक पत्नी बनने की सबसे भयानक सजा दी है तुमने मुझे। पति होने का दावा कर रहे हो, भाग गए थे मुझे छोड़कर 1 महीने या 1 साल के लिए नहीं, पूरे 7 साल के लिए। क्यों? दौलत कमानी थी तुम्हें, वो भी किसी गैर औरत का सहारा लेकर। उन 7 सालों में तुमने कभी जानने की कोशिश भी की कि मैं किस हाल में हूं? आज अगर मैं जिंदा भी हूं ना, तो सिर्फ इसलिए कि मेरी गोद में आदि था। हाँ, आदि हमारा बेटा, लेकिन आज पहली बार उसी बेटी ने तुम्हें डैड कहा, तो तुमने क्या किया? अपने बेटे को गले लगाने के बजाय रात से उलझ गए, रात से, जिसके समझाने पर आदि ने तुम्हें डैड कहा। और जिन लोगों ने मेहमान बनाकर घर बुलाया, उन्हीं को बेइज्जत कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को बेघर और बेसहारा होने से बचाया। लेकिन नम्रता, तुम्हारी और आदि की हर खुशी पूरी करने की ताकत है अब मुझ में। इतनी दौलत कमा कर लौटा हूं मैं। संजीव, अगर मैं चाहती ना, तो इन 7 सालों में इतनी दौलत कमा लेती कि 7 जन्म में भी तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने अपनी मर्यादा नहीं लांगी। इसीलिए तो कह रहा हूं नम्रता, साथ चलो। साथ चलो तो फिर एक बात का जवाब दो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर 7 साल बाद लौटती और माफी मांगती, अपना लेती मुझे, अगर मैं किसी गैर मर्द के साथ सिर्फ 7 घंटे गुजारा थी, तो तुम क्या करते संजीव? जवाब दो, सबके सामने जवाब दो। मैं बताती हूं, तुम मेरा गला घोटकर मार देते मुझे, यही करते ना? तो जो सजा मुझे मिल सकती है वो तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि तुम पति हो? यही मानती मैं समाज के खोखले कानून को, जो आज भी औरत के साथ सौतेला सलूक करता है। गुजर चुकी मैं सब्र की अग्नि परीक्षा से। सीता की पदवी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक साधारण औरत हूं जिसे हक है अपनी जिंदगी जीने का, जिसे हक है उससे प्यार करने का, जो
जो मुझसे प्यार करता हो, आज सबके सामने कहती हूं कि मैं राज से मोहब्बत करती हूं, पूछती हूं इन्हें, क्योंकि मेरे अतीत को जानते हुए भी मेरे वर्तमान को स्वीकार किया इन्होंने। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। परिवार तोड़ दिया था मैंने, अब तुम अपने परिवार के साथ ऐसी चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो, कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो, मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो अच्छी लगती हो, मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो अच्छे लगते हो, तुम में ऐ मेहरबान सारी है खूबियां, भोलापन सादगी दिलकशी ताजगी